व्हाट इज अप एंड व्हाट इज अप। आज 2023 के वीडियो में मैं तुम्हें सीधा ब्लूप्रिंट बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? जनवरी दिसंबर में क्या क्या बेचता हूँ ना पूरे साल, उसका सीधा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। ये मैं अपने ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन कोर्स में भी नहीं बताया हूँ, उनको कम्युनिटी का अलग से बैठ के बताता हूँ, पर तुम लोग को आज यूट्यूब पे लाइव पब्लिक बता रहा हूँ। और यही ब्लूप्रिंट फॉलो करो अब पैसे छाप लोगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सुन लो कि मैं क्या क्या बेच रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सीधा आते हैं भाई, जनवरी हुडीज और वार्सिटी जैकेट। हुडी और वार्सिटी जैकेट से नहीं बिकते ना, ई कॉमर्स में बेच दो, अपनी वेबसाइट पे बेच दो उठा के, अपना तुम कस्टमाइजेशन में बेच दो। कस्टमाइजेशन नहीं देखा तो इसके वीडियो बनाए हुए हैं, मुझे कमेंट करो कस्टमाइजेशन, मैं तुमको ऊपर लिंक भेज दूंगा, उसमें तुम देख लेना। छाप दो पैसे। आ गया महीना फरवरी का, कपल टी शर्ट, कपल हुडीज, कपल टी शर्ट, कपल हुडीज बिकती है भैया दबा के, इतना तुम सोच रहे हो। और क्यों बिकती है थोड़ा सा और बता देता हूँ, हालांकि मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि भाई कपल्स के इसमें आरटीओ होता है कम। 14 फरवरी है वैलेंटाइन डे, 12 तारीख को उनको माल में पहुंचा है। हल्का सा यहाँ पर सिलाई लूज है, हल्का सा टी शर्ट लूज है, कोई बात नहीं यार पहन ले, क्योंकि दो दिन में कुछ होने तो वाला नहीं है, रिटर्न करने का फायदा नहीं है, उसको पहन ले, बस यही लॉजिक है। कपल टी शर्ट मेरी वेबसाइट भी है गिफ्ट फॉर लव लाइन, उसमें मैं एड भर भर के चलाऊंगा और अच्छा पैसा कमाऊंगा। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा पता क्या होती है, ये बहुत कम लोग वाले हैं, बहुत कम लोग इसे पैसा बनाते हैं, वो है तुम्हारा फेस्ट, कॉलेज फेस्ट, डिपार्टमेंट फेस्ट। ठीक है, हर कॉलेज, चाहे तुम डीयू ले लो, चाहे तुम नोएडा में ले लो, एमिटी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, पूरे ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूँ, फरवरी के महीने में आप भी जानते हो, फरवरी मार्च के महीने में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, तो फेस्ट में बेचो यार। बच्चों के नाम आते हैं, बस डिपार्टमेंट का नाम होता है, उनको आराम से प्रिंट लेते हैं और बेचो। वो टी शर्ट देते हैं, वो हुडीज देते हैं, वो क्या क्या लेते हैं, उनका सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, उनके डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है, कोई भी कॉम्पिटिशन बताओ, एक कॉलेज में 3 से 4 हज़ार बच्चे, 3 से 4 हज़ार बच्चों में कम से कम 30 से 40 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट में पकड़ लो तुम इजिली पैसे छाप सकते हो 10 से 12 हज़ार रुपए बिना मेहनत करे। बस मुझसे सैंपल ले जाओ, सैंपल दिखा दो, या तुमको मैं बता दूंगा कहां से सैंपल सोर्स करना, वो कर लो। ये पूरा मेरे कोर्स में, पूरा कोर्स में बताता हूँ भैया कैसे ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन ड्रॉपशिपिंग में तो ऑनलाइन बना सकते हो, ये तुम छाप सकते हो इसमें पैसे। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ छाप सकते हो, क्योंकि अगर मैं 2015 से बैठा हूँ इसमें करते करते करते, आज 2023 आ गया, अगर मैं भैया 8 साल में नहीं कर पाया हूँ तो मैं इसका आपको ना कुछ बोलता भी नहीं कि भैया मत करो। अगर 8 साल से मैं कर रहा हूँ और अगर आप मेरे विजन प्ले वेबसाइट भी चलेगा मेरे को दिख भी रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, तो यार फॉलो करो ना, पैसे कमाओ तुम लोग, क्यों ये सामने ब्लू प्रिंट दे रहा सब कुछ दे रहा, छापो पैसे। मार्च के महीने में चलती है होली टी शर्ट, हम पूरा ध्यान देते हैं होली टी शर्ट पे, हम ले आते हैं 60-65 रुपए की टी शर्ट, हम प्रिंट रखते हैं रेडी 1000 पीस 2000 पीस। पिछले बार भी जो हमारी कम्युनिटी थे ना, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, उसमें भी हम बता रहे थे कि भाई टारगेट था कि 5000 टी शर्ट बेचेंगे, और 5000 तो नहीं 3500 के आसपास टी शर्ट बिकी थी, लेकिन दबा के पूरा महीना हमने होली टी शर्ट ही बेचा, बाकी दिन कुछ नहीं। जर्सी का ऑर्डर आ रहा है साइड में चलने दो, ये आ रहा है साथ में चलने दो, आपने फैक्ट्री पकड़ ली, प्रिंट वाला पकड़ लिया, आपका काम है सिर्फ मार्केटिंग करना, आपका टाइम है सिर्फ कि उठा उठा के माल बेचते रहो। इसके बाद अप्रैल, अप्रैल में यार थोड़ा ई कॉमर्स करते हैं, साथ साथ में रमजान का भी महीना है तो थोड़ा सा लो रहते हैं, लेकिन हम थोड़ा ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, तो रमजान के महीने में हम एज सच इतना कोई एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं कर रहे होते, क्यों, क्योंकि यार हमारे जो कारीगर हैं वो भी मुस्लिम हैं, उनका भी थोड़ी तकलीफ देते हैं, उनको थोड़ा आराम दे देते हैं। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो तो ई कॉमर्स पे ध्यान दो, ई कॉमर्स में अच्छा खासा चल रहा होता है, यही टी शर्ट सेल करते रहो, थोड़े सुपर हीरो टाइप की टी शर्ट सेल करते रहो। मार्च के महीने में क्या होता है, मौसम भी ऐसा होता है कि ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं, लोग बाहर भी घूमते हैं और टी शर्ट भी देखते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है जो हम लोग करते हैं। फिर आ जाता है आपका मई का महीना, मई का महीने में छपते हैं पैसे, और किस चीज में छपते हैं सोच सकते हो, वो है तुम्हारा स्पोर्ट्स डे। सारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो रहा था, सारे स्कूल्स के इवेंट्स आ रहे होते हैं, सारे स्कूल के छोटे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, क्योंकि जून के महीने में छुट्टियां शुरू होने वाली है, मई में जल्दी से सारे टूर्नामेंट होते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, और ये जरूरी है। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, सारे नेटबॉल, आप स्पोर्ट का नाम लो, कस्टमाइज होता है, नाम नंबर लोगों के साथ, भैया 20 टी शर्ट चाहिए कल रात में चाहिए, हो सकता है भैया 600 रुपए लगेगा, ओके भैया दिया, 12000 रुपए का सेल हुआ, चलो भाई घर पे, यही होता है और ऐसे बनाते हैं पैसे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, हवाबाजी नहीं कर रहा, जाओ इंडिया मार्ट पे जाओ वहां पर, या मुझे इन महीनों में पूछ लेना, मैं बस रेडी स्टॉक होगा इसका। 10 फैक्ट्रीज टाइप कर लो, 10 जगह से टाइप कर लो, मैं बता दूंगा कहां पर कौन कौन सी फैक्ट्री टाइप करना है, जहां ऑर्डर है, हाँ जी भैया 50 टी शर्ट चाहिए, रेडी हो जाएंगे, हाँ भैया रेडी हो जाएंगे, ठीक है दे दिया खत्म, ऐसे छापो ना पैसे। फिर जून का महीना आता है, जून का महीना इट्स ऑल अबाउट हाफिंग द मनी, इट्स ऑल अबाउट पैसे छाप, बिकॉज आ गया योगा डे। योगा डे में हमने इतनी योगा मैट बेची है ना, फैक्ट्री से टाइप है, मंगोलपुरी दिल्ली में, मंगोलपुरी में बहुत सारे योगा मैट बनाते हैं, उसके हमें सब योगा मैट ही बनाने लग जाते हैं, हर टाइम 2 से 3 हज़ार योगा मैट बिकी जाती है, आराम से आप अपना मार्जिन रखो 50-60 रुपए का, 1-1.5 लाख रुपए तक कहीं नहीं गए। फिर टी शर्ट योगा से होगा, योगा डे टी शर्ट अपनी कम्युनिटी में बेचो, अपनी ग्रुप में बेचो, अपनी सोसाइटी में बेचो, अपने लोगों के पास जाके बेचो,
और छापो पैसे। योगा डे में सिर्फ योगा का सामान बेच रहा होता हूँ, पूरे महीने ये बोलता हूँ कि भैया सिर्फ योगा बिकने वाला है और दब्बा के पैसे छपने वाले हैं। फिर आ जाता है जुलाई, जुलाई इज ऑल अबाउट ई कॉमर्स। एकदम से वेबसाइट पायलट कर देता हूँ, रेनवेयर जाके इस रेनवेयर सूट मार्केट सोर्सिंग कर लेता हूँ और सीधा ड्रॉपशिप करता हूँ। बहुत सारे कस्टमाइजेशन में जैसे हमारे पास या कोल्ड कंपनी आ गई, हर कंपनी वाला अपने एम्प्लॉय को दे देता है भैया कि तो बारिश में भीग क्या आता है, ये ले आया मेरे 650-650 रुपए की रेनकोट वे रेनकोट पेन। हम आराम से लोकल फैक्ट्री सोर्स कर लेते हैं क्योंकि हम बना नहीं सकते क्योंकि उसकी स्टिचिंग अलग होती है, वो सीधा ड्रॉपशिप करते हैं, पैसे कमाते हैं। फिर अगस्त के महीने में रक्षाबंधन इंडिपेंडेंस डे, ब्रदर सिस्टर, जैसे वैलेंटाइन डे पे तुम्हारे चलते रहते हैं सारे कपल टी शर्ट, इसमें चलते हैं तुम्हारे सारे भाई बहन की टी शर्ट, भाई बहन की टी शर्ट हो गए, भाई बहन के गिफ्ट हो गए, और भाई बहन का सारा हो गया गिफ्टिंग आइटम सोचो, इंडिया मार्ट से सोर्स करो, लेके बैठ जाओ अपना सारा ऑनलाइन स्टोर बना के बैठ जाओ, जो रिक्वायरमेंट है उसको दे जाओ, कैश ऑन डिलीवरी इस पे मत करना क्योंकि 90% अगर आपका माल नहीं पहुंचा दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। आई रिपीट इट, प्लीज लिख लो, हाईलाइट कर लो, रक्षाबंधन के महीने में, इंडिपेंडेंस डे के महीने में अगर कैश ऑन डिलीवरी रखे तो लॉस खाओगे, मूकी खाओगे, एवरीथिंग इज प्री पेड ब्रो। क्योंकि देख एक बार का पैसा देके अगर माल लेट भी पहुंचता है ना तो बंदा बोलता है चलो ठीक है भैया के लिए रख लो, दीदी के लिए रख लो, अगर नहीं पहुंचता है ना तो सीधा बहने क्या बोलती है भैया हमको नहीं चाहिए ये टी शर्ट वापस ले जाओ, पर अगर पैसे दे कोई बात नहीं भैया लेट हो गया, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं तेरे को, तुम लोग लग रहा हूँ मजाक कर रहा पर सच्चाई बता रहा हूँ, उस टाइम पे बिल्कुल प्रीपेड ही चलना, कैश ऑन डिलीवरी मत रखना। सितंबर का महीना होता है गिफ्टिंग का महीना, क्यों? क्योंकि दिवाली आने वाली है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, एक कॉर्पोरेट पकड़ लिए 500 से 1000 स्टाफ है, चलो 500 से 1000 स्टाफ नहीं 200-250 लोगों का स्टाफ पकड़ लिया, डायरी कैलेंडर गिफ्ट वॉच ये सब तुमने अपने ऑनलाइन स्टोर रख लिए, 100 से 150 का मार्जिन का 20 से 25 हजार तुम्हारे कहीं गए, ये मैं करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ सीधा स्ट्रेट। फिर अक्टूबर का महीना दिवाली का महीना, दिवाली में दिवाली गिफ्टिंग अगेन, दिवाली टी शर्ट, दिवाली का सब कुछ होता है, एम्प्लॉयज का महीना होता है हमारा, उस टाइम पे बिजनेस थोड़ा सा डाउन होता है लेकिन दिवाली गिफ्टिंग से जो कमाते हैं सब कुछ करते हैं, वी हैव टू गिफ्ट। दिवाली में ना आई लव दिवाली, आई सेलिब्रेट दिवाली, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईद भी सेलिब्रेट करता हूँ, दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ, क्यों? कि दिवाली इट्स ऑल अबाउट गिविंग, इट्स ऑल अबाउट मतलब यार लोगों की मदद करो, बढ़ाओ उनको, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखो, लक्ष्मी जी का जो होता है भैया लक्ष्मी जी की पूजा करो। फिर नवंबर का महीना होता है स्पोर्ट्स डे, यस नवंबर का महीना छपते हैं पैसे स्पोर्ट्स डे, क्योंकि इस टाइम पे ये होता है कि ठंडियों की छुट्टी आने वाली है, नवंबर में सबसे ज्यादा क्रिकेट यूनिफॉर्म, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स पर स्पोर्ट्स पे क्रिकेट एंड फुटबॉल नंबर वन है, फुटबॉल टूर्नामेंट होते रहते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होते रहते, आराम से पैसे छापो, कम से कम बोल रहा हूँ तुम 200 से 300 जर्सी तो बेच दोगे, तुम चाहे 4 हजार के झारखंड में हो, ओडिशा में हो, अपना आप गोवा में हो, आप ग्वालियर में हो, आप जम्मू में हो, आप असम में हो, आप केरला में हो, आप चेन्नई में हो, आप कहीं भी हो, आप दिल्ली में बैठे हो तो छाप ही लोगे। फिर लास्ट में आ जाता है हमारा दिसंबर एंड क्रिसमस में क्या होता है, क्रिसमस के महीने में ना हुडीज बेचो, जैकेट बेचो, आप सामान ऐसे बेचो तुम इजीली पैसे कमा सको। तुम क्या करो, कोई भी क्रिश्चियन कॉलोनी या कोई भी चर्च वर्च में जाओ, उनको बताओ कि हमारा ऐसा ऐसा हुडीज का बिजनेस है, हमारा ऐसा ऐसा ये बिजनेस है, क्या बोलते हैं हमारे जैकेट्स का है, हम ये बनाते हैं, वो आपसे अपने आप ही लेंगे, उनसे लो पैसे कमाओ, पैसे छापो, और हैप्पी न्यू ईयर गाइस, थैंक यू सो मच गाइस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर।